हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 पीटीपीएसटी स्टार्ट हो गया है। पीटीपीएसटी का डेट शेड्यूल क्या है, 18 मई से 9 जून 2022। अब देखिए, बारिश की वजह से नॉर्थ ईस्ट के कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे फिजिकल जो है वो पोस्टपोन्ड हुआ, और जो टाइमिंग जो था वो क्या था, 18 को जो टाइमिंग था वो था 5:30 AM, यानी कि जो शेड्यूल बनाने वाले लोग जो थे उन्होंने जो ट्रेनिंग सेंटर्स पर जो पीटी का जो टाइमिंग होता है, पीटी का रिपोर्टिंग, वो टाइमिंग दिया कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करने के लिए। और रिपोर्ट करने के लिए दिया तो एक सेंटर पर तो हमने खुद देखा कि 5:30 से 6:30 तक तो एंट्री ही हो रही थी। अब एंट्री हो रही थी तो उसमें क्या हुआ कि 12 बजे भी कैंडिडेट्स को रनिंग करनी पड़ी कि 18, 19 और 20 को क्या होता है कि एक ऑर्डर आ जाता है, और ये ऑर्डर एक्चुअली 20 को ऑर्डर पास होता है। देखिए यहां पर डेट जो है वो 20 का दिया हुआ है, लेकिन कुछ सेंटर्स पर 20 को ही ये लागू कर दिया गया था कि 4 AM पे रिपोर्टिंग कर दी गई थी। अब 4 AM पे रिपोर्टिंग हो गया कि 4 बजे रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। देखिए एंट्री का एक प्रोसीजर, अब एंट्री शुरू हो गई तो क्या है कि 5:30-6 बजे तक, यानी कि पहला बैच जो है वो बहुत सारे सेंटर्स पे कि 6 बजे बैच दौड़ लिया। अब एक साथ जाहिर सी बात है कि 350 कैंडिडेट्स को बुलाया है, तो 350 को एक साथ नहीं दौड़ाया जा सकता। कोई कैंडिडेट जो है वो मतलब कि उसको कोई चोट लग रहा है या कोई बेहोश भी हो सकता है। धूप का कितना प्रभाव है नॉर्थ ईस्ट में गर्मी का, और ये अपना उत्तर भारत में गर्मी का क्या प्रभाव है, और नॉर्थ ईस्ट में बारिश की वजह से सेंटर जो थे वो उस पर पोस्टपोन हुआ। तो जब बारिश की वजह से पोस्टपोन हो सकता है तो ये जो हमारे 18, 19 और 20 वाले जो कैंडिडेट हैं इनके साथ नाइंसाफी क्यों हुई कि 21 से तो ये 20 को ऑर्डर आ जाता है, तो 20 को ये ऑर्डर आ गया तो 21 से तो 4 बजे 21 से तो 4 AM पे शुरू हो गया रिपोर्टिंग, और 4 AM पे रिपोर्टिंग हो गया तो 12 बजे से पहले यानी कितने बैच बनते हैं, 3 बैच बनते हैं मैक्सिमम सेंटर पे। अब 3 बैच बनता है तो 10 बजे तक अधिकतम रनिंग हो गया। आप एक बात यहां देखने वाली है कि कौन सा ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है हमारे देश में कि जहां 12 बजे रनिंग होती है या शाम को 4 बजे रनिंग होती है, वो भी मई जून जैसा जो गर्मी का महीना है उसमें कहीं नहीं होती होगी। अब ये जो हमारे 18, 19, 20 के जो 3 दिन वाले जो कैंडिडेट हैं, इसमें काफी कैंडिडेट्स ऐसे थे 92 मार्क्स भी है लेकिन 5 कदम से या 7 कदम से सिर्फ टैप से वो आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी दावा नहीं कर सकते, हम तो आपको पहले दिन से बता देते कि आप डिफरेंट टाइमिंग्स में प्रैक्टिस करके, हमने भी जो कैंडिडेट्स को बताया कि 9:30-11 बजे तक आप प्रैक्टिस करके जाएं, इस बात का इल्म हमें भी नहीं था कि 12 बजे रनिंग हो जाएगी। और कौन ऐसा बोर्ड अफसर है जो 12 बजे कैंडिडेट्स को धूप में रनिंग करवा रहा है, लेकिन 12 बजे हुआ है रनिंग, 4 बजे भी शाम को रनिंग हुआ है। तो जो हमारे 3 दिन में जो कैंडिडेट्स डिस्क्वालिफाई हो गए, जब देखिए नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से पोस्टपोन्ड हुआ है तो धूप की वजह से पोस्टपोन क्यों नहीं हो सकता, ये यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न है। अब जो कैंडिडेट्स हमारे डिस्क्वालिफाई हो गए उनके पास में क्या ऑप्शन, देखिए ऑप्शन तो यही है कि ये बात आपकी जो बात है वो आप आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो इस पर कुछ एक्शन जरूर हो सकता है, और आप यदि घर पे बैठ जाते हैं चुपचाप कि ठीक है जो हुआ सो हुआ तो कुछ नहीं होगा, आप अपनी बात आला अधिकारियों तक जा सकते हैं, दिल्ली के जो सीनियर अफसर हैं उन तक आप यदि आपकी बात पहुंचती है, जैसे बात हमने करी थी कि हाइट और चेस्ट में आप अपील कर सकते हैं। अब हाइट और चेस्ट में भी जिसने रिटर्न अपील किया उसका एक्शन दूसरा हुआ, और जिसने रिटर्न अपील नहीं किया उसका एक्शन दूसरा होता है। रिटर्न अपील किया, खुद जो प्रेजिडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने खुद आकर हाइट नापा है, और हाइट में कैंडिडेट्स को जो आधा सेंटीमीटर कम किया गया था उनको पूरा किया गया है, ऐसे एक नहीं बहुत सारे सेंटर्स पे आपने देखा होगा। तो दोस्तों जो 3 दिन पहले जो धूप में रनिंग हुआ है उसमें देखिए जो कैंडिडेट्स आउट हो गए उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, और उन्होंने ये जानना चाहा कि हम कुछ एक्शन कर सकते हैं क्या, तो एक्शन तो यही है कि आपकी बात जो है वो सीनियर अफसर तक पहुंचे, उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब उस पर क्या डिसीजन होता है क्या नहीं होता है, इसका डिसीजन तो देखिए सीनियर अफसर ने करना है, लेकिन
जो बीच में टाइम बदला गया है कि ये टाइम दो दिन प्रयोग करने के बाद में टाइम बदला गया है, ये गलत बदला गया है, ये पहले दिन से ही होना चाहिए था, या जो तीन दिन जो कैंडिडेट जो जिनका धूप में नंबर आया है उनको मौका दिया जाना चाहिए था। कि गेम शुरू होने के बाद गेम के रूल बदले जा रहे हैं, ये बात यहाँ पे है, वो समानता का अधिकार जो है उसके खिलाफ जाती है। तो जो कैंडिडेट्स हमारे सीरियस हैं भर्ती के प्रति और दो कदम पांच कदम इस तरीके से आउट हो गए या फेंट हो गए, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप देखिए अपनी बात आप रख सकते हैं, आपको इस बात का हक है, इसमें आप जायज जिस बात के लिए आप अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।